जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे अपनी अकाउंटेंसी 12th के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई होप के आप सभी के स्कूल में जो है अपनी अकाउंटेंसी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके ये बताइएगा कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है फिर या नहीं हुई है। और अगर स्टार्ट हुई है तो बेटा आई होप सभी के स्कूल में जो अपनी पहली बुक है, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो स्टार्ट हो रखी होगी, ठीक है। फिर भी आप एक बार अगर लगता है कि भाई आपकी बुक वो स्टार्ट नहीं है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसके स्कूल में कौन कौन सी बुक स्टार्ट हुई है। तो बेटा हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अकाउंटेंसी 12th की पहली बुक, ठीक है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। देखिए, हम 12th में जब पढ़ते हैं ना बेटा, तो 12th में बिल्कुल जहां पर हमने 11th फिनिश किया था उससे आगे पढ़ना है बेटा। जब आप लोग बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, उसके बाद पार्टनरशिप, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी आती है। तो अकाउंटेंसी में भी बिल्कुल वैसे ही आपको सिखाया जाता है, ठीक है। 11th में जो अकाउंटेंसी में सिखाया गया बेटा, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाने सिखाए कि कैसे, अगर देयर इज अ सिंगल ओनर, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है तो आप कैसे कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सिखाया गया बेटा कि सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, उसके बाद आपको लेजर प्रिपेयर करने हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और अल्टीमेटली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो पार्टनरशिप जो है उससे नेक्स्ट टॉपिक था आपका वहां पे, तो यहां पे भी नेक्स्ट टॉपिक है। 12th क्लास में हम लोग जो है पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स और कंपनीज के अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। कंपनीज के केस में बेसिकली हमें अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, फाइनल अकाउंट नहीं बनाने, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। अपने को केवल दिखाना होता है कि बेटा सेकंड बुक में कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, और कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। जो थर्ड बुक है बेटा उसमें भी एज सच फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट जरूर है, बट वहां पर भी आपको फाइनल अकाउंट नहीं बनाने हैं कंपनी के, तो घबराना नहीं है बेटा। हम लोग बात करेंगे अपनी जो सबसे पहली बुक है, नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसी के पहले चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर है, नाम है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, यानी इस चैप्टर में जो पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि भाई पार्टनरशिप फर्म में जो हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से कैसे अलग है, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म में भी बेटा वैसे ही अकाउंट्स बनते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। पार्टनरशिप में भी सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है बेटा, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद इसमें भी ट्रायल बैलेंस ही बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बट यहां पर एक अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनल अकाउंट में अलग से बनता है, साथ साथ इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता था, ठीक है, सिंगल ओनर है तो जितना भी प्रॉफिट या लॉस था वो सब उसी पार्टनर, उसी ओनर को मिलता था, पार्टनर वगैरह वहां था ही नहीं, ठीक है। इसलिए वहां पे आपको अलग से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट पार्टनरशिप में क्योंकि देयर कैन बी मिनिमम 2% पर मैक्सिमम 50, तो इसलिए आप अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर बनाते हैं, क्लियर है। तो बात करते हैं सबसे पहले होता क्या है भैया, पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन और इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक एग्रीमेंट है बेटा, एक समझौता है। अब दो या दो से ज्यादा का मतलब क्या होता है, देखिए मिनिमम यहां पर दो हो सकते हैं बट मैक्सिमम हो सकते हैं 50, ठीक है। और किस चीज का समझौता है बेटा, हु बिकेम एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो इस चीज के लिए एग्री हो गए बेटा कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा हम तो प्रॉफिट ही मानकर चलेंगे, वो आपस में बांट लेंगे इन एग्रीड रेशियो,
जिसमें उनकी बात हो रखी है, ठीक है। और यहां पर एक चीज और इन्होंने लिखी, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और वो जो बिजनेस है बेटा, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, वो या तो सभी पार्टनर्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर सबके लिए भी काम कर सकता है। क्लियर है? तो पार्टनरशिप में वो सभी लोग जो मिलकर काम करते हैं बेटा इंडिविजुअली, उनको हम पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। और जिस फर्म के लिए वो काम करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और वहां पर उस फर्म का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म नेम। जैसे ए बी और सी तीन लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो यहां पे फर्म का नाम एबीसी एंटरप्राइजेस हो सकता है, ठीक है। तो सभी लोग किसके लिए काम करते हैं बेटा? ए बी और सी के लिए काम करते हैं, एबीसी फर्म के लिए या एंटरप्राइजेस के लिए। अब यहां पर देखिए, ये जो एक लाइन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है वो सभी लोग काम कर सकते हैं उसमें, या फिर एक सभी के लिए भी काम कर सकता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए काम करेगा, ठीक है, तो यहां पे वो जो पार्टनर है वो एजेंट बन जाता है, किनका? दूसरे पार्टनर्स का, जिनके लिए वो काम कर रहा है। और वो पार्टनर जो काम करता है वो दूसरों के लिए काम करेगा, तो वो दूसरे पार्टनर भी उसके हर एक्ट के लिए बाउंड होंगे। मतलब ए अगर बी और सी के लिए काम कर रहा है तो बेटा ए जो भी एग्रीमेंट करेगा, ए जो भी काम करेगा, बी और सी उसके लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ईच पार्टनर इज एन एजेंट इन द फर्म एज वेल एज प्रिंसिपल। तो एजेंट क्यों है? क्योंकि वो दूसरे पार्टनर्स के लिए काम करता है। फिर प्रिंसिपल क्यों बेटा? क्योंकि दूसरे पार्टनर्स भी उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो नेचर है पार्टनरशिप फर्म का, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है बेटा? फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी एंड पार्टनर इज अ सेपरेट एंटिटी एंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। यानी जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि फर्म एक अलग एंटिटी है और ओनर यानी जो पार्टनर्स हैं वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी है। और इसी प्रिंसिपल की वजह से बेटा जो पार्टनर्स की या ओनर की कैपिटल होती है उसको हम लायबिलिटीज में दिखाते हैं। क्योंकि आप फर्म को बिजनेस स्टार्ट करना चाहता तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो पैसा बजाय किसी और से लेने के उसने किससे ले लिया? अपने पार्टनर से उधार ले लिया, इसलिए उसको हम लायबिलिटीज में शो करते हैं। तो ये तो बेटा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वही वाला पॉइंट ऑफ व्यू हमें फॉलो करना है जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉलो किया था। फिर बात करते हैं बेटा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि कानून क्या कहता है पार्टनरशिप फर्म के लिए? कानून कहता है कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसमें ओनर एंड फर्म आर वन एंड द सेम एंटिटी, ठीक है। क्योंकि अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो वो किसने एंजॉय किया भैया? पार्टनर ने। तो लॉस होगा तो कौन एंजॉय करेगा? पार्टनर्स। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कल को पार्टनर ये कह के कि मेरी फर्म को तो लॉस हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई, मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट ना करूं, मैं अपने बैंक लोन की पेमेंट ना करूं। पार्टनर्स को चाहे अपनी पर्सनल असेट्स बेचनी पड़े तो पर्सनल लायबिलिटी पे करने के बाद अगर उसके पास पैसा बचेगा तो वो फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज किया जाएगा। फिल्मों में भी आप देखते होंगे कि कई बार जो हीरो है वो बैंक से लोन लेता है, विलेन जो है उसकी फैक्ट्री में आग लगा देता, उसकी फर्म में आग लगा देता, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। अगले सीन में आप देखते हैं कि भाई उसका जो है बंगलो बिक गया है, उसकी गाड़ियां बिक गई है, ठीक। फिर आपके माइंड में आता है अरे यार फर्म तो सेपरेट एंटिटी थी, ओनर एक सेपरेट एंटिटी थी, फिर ऐसा कैसे हुआ? ये इसी वजह से हुआ क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि फर्म एंड ओनर आर वन एंड द सेम एंटिटी। क्लियर है? इसीलिए बेटा अगर कल को आप फर्म बंद करते हो तो आपके जितने भी पर्सनल असेट्स हैं, पर अगर फर्म की असेट्स लायबिलिटी पे नहीं कर पा रही फर्म की, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो पर्सनल असेट्स हैं पर्सनल लायबिलिटी पे करने के बाद उनको फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लियर है बेटा? तो अब बात करेंगे बेटा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की, ठीक है। तो सबसे पहले जो फीचर है बेटा वो है टू और मोर पार्टनर्स। देखो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो यानी मिनिमम तो दो पार्टनर होने चाहिए। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितने होने चाहिए सर।
मैक्सिमम होनी चाहिए बेटा 50 से ज्यादा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर आ जाए तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रहती है, पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस खत्म हो जाता है। फिर एक चीज आती है, सर ये 100-100 कहां से आ गया इसमें? अब ये 100 कहां से आया? देखिए जो हमारा कंपनी एक्ट है बेटा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे रखी है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बट इट शुड नॉट एक्सीड 100। कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कर दे, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब करे बट वो 100 से ज्यादा ना हो। और फॉर द टाइम बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने मैक्सिमम पार्टनर प्रिस्क्राइब किए बेटा? 50 किए, कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो 100 वर्ड वहां से कई बार माइंड में आता है बट 100 नहीं होते बेटा, ठीक है। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है बट फॉर द टाइम बीइंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है बेटा वो 50 है। क्लियर है? अब फिर आता है क्या सर एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बेटा। इसका आंसर होता है यस, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर अ पार्टनरशिप फर्म अगर उस माइनर के पार्टनर बनने से उस पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है, उसका नाम यूज करने से उसको लाभ होता है तो आप उसको पार्टनर बना सकते हो। बट यहां पे कंडीशन ये है कि जो माइनर पार्टनर है बेटा वो लॉस बियर नहीं करता, वो केवल प्रॉफिट ही इंजॉय करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर आता है सर कि भाई कौन से वो लोग हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते? तो दो तरीके के लोग बेटा यहां पर मेंशन किए गए हैं जो आपके पार्टनर नहीं बन सकते। एक होता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कानून ने मना किया है कि भैया ये तो फ्रॉडी है, ये किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। अब आप कहो जी मैं तो विजय माल्या को पार्टनर बनाऊंगा, भैया विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया हुआ है गवर्नमेंट ने, आप उसको अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। दूसरा कौन सा भैया? दूसरा आता है बेटा अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन मतलब पगला, पागल। आप किसी पागल व्यक्ति को जिसका दिमाग सही ना हो उसको भी अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते बेटा। क्यों नहीं बना सकते? भैया जो दिमाग वाले पार्टनर होंगे ना वो उससे एग्रीमेंट साइन करा लेंगे, ठीक है, उसको बोल देंगे कि भाई बैंक के जो लोन लिया है उस पर आप साइन कर दो, ठीक। कल को बैंक वाले पैसा लेने आएंगे तो कह देंगे भैया तो पागल है, इसने साइन की है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो अनसाउंड पर्सन होता है, अनसाउंड माइंड वाला बेटा यानी पागल, उसको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है बेटा एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। बेटा पार्टनरशिप तभी जनरेट होती है जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। अब यहां पर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, ठीक है। अब यहां पे जो एग्रीमेंट है वो दो तरीके का हो सकता है बेटा, जैसे एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। ओरल में क्या होता है बेटा? मौखिक होता है, बातों बातों में सब कुछ हुआ है डिसाइड, लिखित में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसको हम कहते हैं ओरल पार्टनरशिप, ठीक है। अब यहां पे जो ओरल एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप आपकी हो गई बट इसमें क्या होता है कल को पार्टनर्स के बीच अगर किसी भी चीज को लेके विवाद हो जाए, डिस्प्यूट जनरेट हो जाए तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो वहां पे जो डोमिनेटिंग पार्टनर है बेटा वो दूसरे वाले को, ठीक है, बेवकूफ बना सकता है, उसको दबा सकता है, ठीक है। तो यहां पर ओरल के ये नुकसान होते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो बेटा रिटन एग्रीमेंट के थ्रू करना। क्यों? क्योंकि रिटन एग्रीमेंट में सारे जो प्रोविजंस हैं जो पार्टनर्स के बीच में कंसेंट हुई है, जिन चीजों को लेके पार्टनरशिप में सहमति बनी है पार्टनर्स के बीच में, वो सब उसमें लिखित में होते हैं और उसमें सभी पार्टनर साइन करते हैं बेटा, ठीक है। हर पार्टनर साइन करेगा कि हम इन सब प्रोविजंस को मानेंगे। तो उससे क्या होगा, कल को अगर पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट्स होगा, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जो आपका एग्रीमेंट है रिटर्न में है, ठीक है, उसके थ्रू आप उस डिस्प्यूट्स को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, आइदर ओरल और फिर रिटर्न। क्लियर? तीसरा पॉइंट है लीगल बिजनेस। अब आपकी बुक में लिखा है भैया बिजनेस, बिजनेस नहीं बच्चे लीगल बिजनेस। कौन सा बिजनेस बेटा?
लीगल बिजनेस। अब ये नहीं है भैया कि चार लोगों ने मिलकर बात की कि भैया चलो एक मर्डर करते हैं, जितना पैसा आएगा इक्वल इक्वल बांट लेंगे। अब देखे तो ये भी पार्टनरशिप ही लगती है। या चार लोगों ने मिलकर बात की कि भैया चलो उनके घर में चोरी करेंगे, जितना पैसा हमारे कब्जे में आएगा उसको हम बांट लेंगे। अब ये भी पार्टनरशिप ही लगती है, बट इट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि कानून जो है बेटा इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ बिजनेस। कानून इसको बिजनेस ही मानता है, ये इलीगल एक्टिविटीज है। तो पार्टनरशिप में एक लीगल बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिजनेस चाहे बेटा ट्रेडिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, नेचर कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो लीगल होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का रेशियो है, ठीक है, जिसमें वो एग्रीड है, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म तभी मानी जाती है जब सभी पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं। लास्ट जो पॉइंट है बेटा, लास्ट जो फीचर है इसकी, वो वही है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका वही मतलब है कि भाई बिजनेस जो है पार्टनरशिप में या तो सभी पार्टनर्स काम कर सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर भी सभी पार्टनर्स के लिए काम कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि अ पार्टनर कैन बी एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एजेंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वो जो पार्टनर होगा वो बाकी सभी पार्टनर्स के लिए काम करता है। एजेंट क्या होता है, जो दूसरों के लिए काम करे, तो इसलिए वो एजेंट है क्योंकि वो सभी पार्टनर्स के लिए काम करता है। और प्रिंसिपल क्यों होता है, क्योंकि बाकी सारे पार्टनर्स भी उसके लिए काम करते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये सारी थी बेटा इसकी फीचर्स। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए बेटा अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स की, भी पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहला राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये अधिकार होता है बेटा कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, अधिकार है। अब वो उसकी इच्छा है चाहे वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले या फिर ना ले, बट अधिकार हर पार्टनर को है बेटा। दूसरा है राइट टू कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। हर पार्टनर्स के पास ये अधिकार है कि भैया वो बिजनेस मैटर को कंसल्ट कर सकता है। ये नहीं है कि भैया वो स्लीपिंग पार्टनर है तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ही हैज आल्सो द राइट्स कि वो जान सकता है भैया दिखाओ आपने कितनी सेल्स की है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस मैटर के बारे में आपसे कंसल्ट कर सकता है, आइदर ही इज वर्किंग और ही इज स्लीपिंग। क्लियर। फिर तीसरा जो राइट है बेटा वो है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है बेटा कि वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। ये मत सोचना कि भैया वो आता ही नहीं है, वो तो इनएक्टिव है, वो तो स्लीपिंग है, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, वो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। इसके साथ एक चीज और बोली गई है, एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, और वो उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है जो अपने अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो हर पार्टनर बेटा चाहे वो एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो, वो फर्म्स के जो अकाउंट्स है उनको चेक कर सकता है और उनकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। फिर बेटा राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो। हर पार्टनर को ये अधिकार है कि भैया वो प्रॉफिट साथ साथ लॉस जिस रेशो में उनकी बात हो रखी है एग्रीड रेशो में, वो पार्टनर्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और कोई एग्रीड रेशो ना हो तो फिर बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिंदाबाद, इक्वल इक्वल, ठीक है। हर पार्टनर्स को अधिकार है कि वो प्रॉफिट साथ साथ लॉस, ठीक है, जिन रेशो में उनकी बात हो रखी है उसमें वो शेयर करें। वो शेयर करने से मना नहीं कर सकते। ये नहीं कि भैया मुझे प्रॉफिट होगा तो फिर तो मैं लूंगा, ये तो मेरा हिस्सा है, लॉस होगा तो मैं बियर नहीं करूंगा। आपको प्रॉफिट भी एंजॉय करना है तो साथ साथ हर पार्टनर को लॉस भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट, ठीक है। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है, देखो बेटा कैपिटल तो सभी पार्टनर्स लगाएंगे, बट इन केस फ्यूचर में फर्म को एडिशनल अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी पार्टनर के पास सरप्लस मनी है और वो पार्टनर फर्म को लोन देता है,
ठीक है, तो उसको ये अधिकार है कि वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करे, उस पर इंटरेस्ट ले फर्म से, किस रेशो पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस पे सबकी सहमति है। और अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड ना हो, यानी आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई प्रोविजन बनाया नहीं है, कोई क्लोज नहीं बनाया है, तो वहां पे अप्लाई होता है बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो ये कहता है अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को लेके कोई क्लोज नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो भी उसको ये अधिकार है कि वो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म से चार्ज करेगा। क्लियर है? फिर आता है बेटा नेक्स्ट, राइट टू टेक डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर के पास ये भी अधिकार है बेटा कि वो बिजनेस के फायदे के लिए अपने डिसीजन ले सकता है। अगर किसी पार्टनर को लगता है कि मेरे इस डिसीजन से पार्टनर को बेनिफिट होगा, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो डिसीजन ले, और बाकी सभी पार्टनर को उसका डिसीजन मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑल द पार्टनर वर्क एज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहां पर देखिए राइट है नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास ये अधिकार है, ठीक है, कि वो नए पार्टनर के एडमिशन को मना कर सकते हैं। समझिए, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में क्लोज लिखा है, तो फिर पार्टनर आएगा उसी अकॉर्डिंगली। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में क्लोज बना रखा है कि भाई अगर कोई एक नया पार्टनर आता है 75% कंसेंट है तो वो आ सकता है, भले ही एक दो मना करते हैं, ठीक है। बट अगर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लोज नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट ना हो, तब तक कोई नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता। मतलब हर पार्टनर को यह अधिकार है कि वो नए पार्टनर के एडमिशन को मना कर सकता है। और जो लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, वो ये है बेटा कि हर पार्टनर को यह अधिकार है कि आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस ही मे रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहता है, तो प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है बेटा। ये भी हर पार्टनर को अधिकार है, ठीक है। अब माइंड में आता है सर प्रॉपर नोटिस का मतलब यहां पर क्या है। प्रॉपर नोटिस का मतलब होता है बेटा कि अगर पार्टनर को रिटायर होना है 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, जैसा भी आपका एग्रीमेंट होगा, दूसरे पार्टनर्स को उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं इतने महीने के बाद पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाऊंगा। टाइम देना चाहिए पार्टनर को रिटायर होने से पहले दूसरे पार्टनर्स को, ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो दूसरे जो पार्टनर्स है उसको या तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, या फिर कोई नया पार्टनर अपॉइंट कर लें, या फिर कोई एम्प्लॉई रख लें। उनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि भाई वो पार्टनर रिटायर हो तो उससे पार्टनरशिप फर्म के जो काम है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला जाता है बेटा आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में केवल इतना सा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर लें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग जो है धीरे धीरे पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और यहां पर मैं आपको इकोनॉमिक्स का कंटेंट्स भी साथ साथ देता रहूंगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।